हेलो 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 हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले एक सब्सक्राइबर/मेंबर की रिक्वेस्ट जो कि था शार्क टैंक सीजन 2 में फ्लैट हेड्स की पिच। आई वांट टू से थैंक यू टू सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू फॉर लेटिंग अस रिएक्ट टू दीस वीडियोस। गाइस आर ऑसम फॉर लेटिंग अस डू दैट, वी रियली अप्रिशिएट दैट। गो एंड चेक आउट शार्क टैंक फ्लैट हेड्स डाउन बट नॉट आउट। जब आप घर लौटते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? अपने जूते उतारते हो ना? मैं तो पैंट उतारता हूँ भाई, इंडिया की गर्मी में। नहीं सच बात है, जूते उतारते हो पहले, फिर अपने कमरे में जाते हो, फिर पैंट उतारते हो। पैर जैसे इन जूतों में माइक्रोवेव की तरफ पक रहे हैं और वेंटिलेशन जीरो, जिसकी वजह से इसमें आती है पसीने की बदबू। दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम स्पेशली बैक होम। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट कि वो वैक्यूम की तरह बंद है इसलिए हो रहा है, बिकॉज लेट्स फेस इट, यू डोंट चेंज योर सॉक्स। इफ यू चेंज योर सॉक्स एवरी डे, योर फीट आर नॉट गोना स्मेल, योर शूज आर नॉट गोना स्मेल। मैंने खुद करके देख लिया, मैं पहले सॉक्स के रीयूज करता रहता था तीन तीन चार चार दिन, मुझे रियलाइज हुआ कि ब्रो दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग, इट्स नॉट जस्ट द गर्मी। बट अगेन यहाँ वेदर डिफरेंट है, वहाँ पाकिस्तान इंडिया में वेदर बहुत डिफरेंट है, सो इट कुड बी दैट। इतने भारी कि ऐसा लगता है सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ आपके पैरों में बंधे हुए। आप तो कई किस्म के पहनते हो, सम पीपल लाइक कंफर्टेबल किस में होते हो? बस वही आपके फेवरेट टी-शर्ट्स में ना, बस वही टी-शर्ट वाली फीलिंग हम आपके पैरों के लिए लाए। ओके कॉन्वर्स, मैं गणेश बालकृष्णन बैंगलोर से हूं एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फ्लैटहेड शू, और हम बनाते हैं टी-शर्ट्स फॉर योर फीट। ओके बने हैं बिल्कुल नेचुरल और ब्रीदेबल मटेरियल से, जैसे बनाना फाइबर, लिनन और बैम्बू फाइबर इत्यादि, जो आपके पैरों को सांस लेने देते हैं। और ये सोल बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बने हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही हल्के हैं, 500 ग्राम से भी हल्के, ताकि आप इन्हें रोज लंबे समय तक पहन सकें। ये मटेरियल्स बिल्कुल सस्टेनेबल है, तो आपके फीट के लिए पिंक में है क्या? एनवायरमेंट फ्रेंडली पिंक चाहिए मुझे, आज मेरा दिल पिंक पिंक हो रहा है। इसकी शर्ट जैसा नहीं। और पैंडेमिक के बावजूद आज 20,000 से भी ज्यादा कस्टमर हमारे ब्रांड लवर्स। नाइस, हमारे जूते मिलते हैं। 20,000 इज एन इंप्रेसिव नंबर अंटिल यू थिंक अबाउट इंडिया एंड इंडियन मार्केट, देन यू लाइक 20,000 दैट्स इट। 2 साल से काम करो सो 20,000 कस्टमर बनाए अभी तक, सो आई मीन इट्स नॉट इजी टू गेट 20,000 कस्टमर्स। ऑल्सो फर्स्ट लुक, जस्ट फर्स्ट लुक, आई डोंट नो विद द अबाउट द प्रोडक्ट, जूते हाई क्वालिटी नहीं लग रहा है। मटेरियल इज जस्ट इट कुड बी द कैमरा और आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट यू नो डिफरेंट क्वालिटी, व्हाटएवर, नॉट सीइंग इट, आई वुड नॉट। जूते का मटेरियल देख के ही मैं अजीब सा हो रहा हूं क्वालिटी देख के। हमारे वेबसाइट पे Amazon और Myntra जैसे marketplaces पे। Yeah, look at the heel part. 1000 रुपीस के slippers से लेके 5000 रुपीस के flagship banana range तक। एक और खास बात, ये सारे जूते made in India हैं for the world. Nice. और हमारा vision है कि flatheads को एक truly international shoe brand बनाया जाए। इसके लिए हमारा ask है 75 lakhs for 3% equity. Okay. Who is willing to walk with us with our ridiculously comfortable and innovative shoes? Ganesh, welcome to Shark Tank. Thank you. तो आप तो यार मंजे में खिलाड़ी लग रहे हो, आपका नाम देख कैसा लगा कि सब आपको जानते हैं। I was very excited. और लग रहा है कुछ कस्टमर्स भी हैं आपके, तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए पहले। जूते पॉपुलर हुए क्या? मैकेनिकल इंजीनियर हूं IIT बॉम्बे से, और उसके बाद मैं US में काम किया है। मैं रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूं, आई एम अ कूल गाय। Nice pun. How many times have you used that line in your life? I just tried that out today. One millionth time. So, वहाँ पे leadership program में था, और उसके बाद मुझे मौका मिला उनका यहाँ पे engineering center खोलने का 2004 में Bangalore में। तो तब मैं Bangalore आया, MBA किया। MBA के बाद मैंने consulting किया Bain & Company में। उसके बाद Honeywell join किया। आंखें देख के पता चल रहा है MBA किया इसने। हमने $20 million का पोर्टफोलियो इंक्यूबेट किया इंडिया फॉर इंडिया बिजनेसेस के लिए। और वहाँ पे मुझे मेरे को-फाउंडर मिले जो डिजाइनर थे, और वहाँ से हमने 10 साल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की, जिसमें हमने 3 स्टार्टअप किए। सबसे पहले हमने लॉन्च किया मोमो, जिसका नाम है मोबाइल मनी एवरीवेयर। उसके बाद शॉपक्लूज ने हमें अक्वायर किया, पैसे बने, कैश प्लस स्टॉक डील था। So, जितना कैश था वो हमने अभी फ्लैटहेड्स में लगाया। इन्वेस्टर्स के पैसे बने? इन्वेस्टर्स ने स्टॉक स्वॉप किया था तब। अच्छा, तो पैसे नहीं बने नेट नेट। चलिए आगे बताइए। एक प्रॉफिटेबल पीएनएल बनाया था हमने वहाँ पे 2 साल के लिए। और हमारे लॉक इन के बाद 2018 में
हम शॉपक्लूज से निकले और तभी हमने फ्लैटहेड्स के बारे में सोचना शुरू किया. Why flatheads? Why the name? That's what I want to know. एक तो ये पसीने की प्रॉब्लम और फिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो मुझे बहुत सालों से. अच्छा, निजी तजुर्बा. Can we see or try? Oh, yeah. निजी तजुर्बा. म्यूजिक तो ऐसे बज रहा है, इसने बच्चे की जान बचा लिया. दिस वन लुक्स नाइस. ब्लू वाला अच्छा लग रहा था. या दे लुक लाइक वूल बट देर एक्चुअली लिनन. सो वही बोल रहा था, ये जाली वूल लग रहा देख के, बट इट्स नॉट जाली, ऑफ कोर्स इट्स लिनन. एक बार आप लेस कर लो, उसके बाद ये इतने स्ट्रेचेबल है कि आप सिर्फ स्लिप ऑन स्लिप ऑफ कर सकते हो. शूज आपके कंफर्टेबल है, नो डाउट. या कंफर्टेबल. ये मैले हो जाता है तो आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं और फिर ये टी-शर्ट की तरह बाहर ड्राई हो जाता है. दे नाइस, दे वेरी कंफर्टेबल. तो आपका कंफर्ट जो फैक्टर है, हां वो तो है. स्टाइल वाइज थोड़ी कमी नहीं लग रही आपको? यप. आजकल की स्नीकर कम्युनिटी है ना, स्टाइल के लिए, कलर्स के लिए दे आर मैड अबाउट दैट. सो व्हाई इज दैट मिसिंग? दे आर वेरी बेसिक. दो किस्म के, वेरी बेस्ड. देयर आर कस्टमर्स जो आप बोल रहे हैं जो होते हैं स्नीकर हेड्स, राइट? और वो जो स्नीकर्स लेते हैं वो जो लिमिटेड एडिशन यीजीज या फिर जॉर्डन्स, राइट, ये जो आते हैं जो यू नो 15,000-20,000 से ऊपर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं. I have two limited edition Yeezys. I bought two last month. कलेक्ट करने के लिए. और इसमें तीन चीजें हैं. एक बेसिक्स होते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स पे होंगे. उसके बाद इनोवेशन रेंज होगा जैसे हमने यहाँ पे दिखाया होगा, जो क्लाइमेट स्पेसिफिक होगा. जैसे हम मॉनसून के लिए वी आर डूइंग अ वाटर रेजिस्टेंस स्नीकर. देन देयर इज द कोलैबोरेशन रेंज जहां पे हम लिमिटेड एडिशंस करते हैं. और कोलैबोरेशन में हमने ऑलरेडी 2-3 प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं और बातें भी हो चुकी हैं. अभी बस लॉन्च करने की देरी है, मैं इसीलिए यहां खड़ा हूं आपके सामने. ओके ओके. ही हैज गॉट प्लान्स. ही इज नो, ही इज नो जोकर मैन. आया क्यों नहीं? एक्चुअली मेरे को-फाउंडर, हमारा एग्रीमेंट था कि 3 to 3.5 साल तक हम लोग पहले प्रोडक्ट डिटेलिंग करेंगे और प्रोडक्ट इनोवेशन करेंगे और रोड मैप बना के रखेंगे. उसके बाद उनको ट्रांजिशन करना था बाहर. सो ही इज जस्ट स्टेप्ड आउट और मैं चला रहा हूं अभी. और उनके पास इक्विटी कितनी है? बोथ ऑफ अस हैव 30-30% ईच. और हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 33%. तो उनका 50% अब बायबैक करेंगे. दो सवाल है. सबसे पहले FY22 सेल्स एंड मार्जिन. सेकेंडली 33% जो एंजल्स को दिया है, लास्ट वैल्यूएशन और राउंड क्या था? FY22 हमने 3.4 crore टॉप लाइन किया था. हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स 40% है, तो ग्रॉस मार्जिन 60%. नेट ऑफ ट्रेड मार्जिन्स वी आर एट अबाउट 48%. और लॉजिस्टिक्स 8%. नहीं, पैसे बनाए थे? वी ब्लीड नेट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग. परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमारा 60% है, सो नेट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग वी आर एट -20%. और आपने 3.5 crore 3.4 crore के सेल्स के लिए वैल्यूएशन मांगा है 25 crore. क्या था? क्योंकि शायद फिर पता चले कि वाई 25. इस साल की भी सेल पूछ लो ना, तो पिछले साल की. पिछला राउंड हमने 5.2 crore एग्जैक्टली रेज किया और ये हमने वैल्यूएशन किया था 28 crore प्री मनी. कब किया था ये? ये हमने रेज किया था April 2021. और अभी आप 25 crore की वैल्यूएशन दे रहे हैं, सेम वैल्यूएशन. हाउ कम? वी आर ऑफरिंग यू अ वैल्यूएशन व्हिच इज लेस, लिटिल लेसर देन द प्रीवियस प्री मनी. या व्हाई? तो इसीलिए पीयूष, आपके क्वेश्चन पे आता हूं. अभी हमारा वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट है और इस साल रेवेन्यू कम आया. पोजीशन मतलब हमारा रनवे खत्म होने आया है. कितने पैसे है बैंक में? कितने पैसे? एक्चुअली पिछले 2 महीने में हमने अपने खुद के पैसे लगाए. तो बैंक नीड्स कैश फ्लो. करीब 35 लाख. बैंक बोल रहा हूँ, कंपनी नीड्स कैश फ्लो. कंपनी नीड्स कैश टू ऑपरेट. तभी तभी क्या सेल है? पिछले महीने हमने 15 लाख के सेल्स किए थे टॉप लाइन. कितना बर्न किया लास्ट? 5.5 lakh. अगर ये फंडिंग नहीं मिली आज तो क्या होगा? हमारा एक्चुअली प्लान ये है कि इसको इंटरनेशनल मार्केट में फोकस करना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने लॉन्च किया था ये अक्टूबर में. काफी रिसर्च किया हुआ है हमने US और UAE मार्केट में. प्राइस सपोर्ट है, हमारा प्राइस एडवांटेज है वहां पे.
Sure. I'm also being opportunistic here कि वहाँ पे अगर price support है, unit economics है और customers हैं जो It's a smart way. ऐसे product खरीदना चाहते हैं 70-80 dollars में तो क्यों नहीं? मतलब India में price support नहीं है या आपकी learning है? Yeah, okay. अभी भी sustainable के लिए extra premium नहीं देना चाहते हैं. Exactly. तो India के लिए innovations हैं specifically which are at lower price points. ये जो आप ड्राई फिट टी शर्ट पहनते हो जिम में वो उस मटेरियल से बनता है तो ऐसे इनोवेशंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जो लोअर प्राइस पॉइंट पे हो 2000 टू 2500 पे लॉन्च कर सकते हैं चलो भाई ये जूता एक्सपर्ट बन गए अचानक से काफी हल्के अरे कब से मुझे ये बात खटक रही है 33% इक्विटी आपकी इन्वेस्टर्स के साथ है राइट जी हाँ तो ये जो आपके इन्वेस्टर्स है Why aren't they coming along? आप यहाँ क्यों आए? हमारे investors mostly angels हैं. You know, it's an aggregation of small checks, right? तो ऐसे investors तो कोई बड़ा investor नहीं है. अभी तक हमारा VC नहीं आया हमारे cap table में. Venture capitalist आएगा बड़ा check लाएगा. तो है नहीं. सही बात. कितना पैसा raise किया है? Till date हमने 10.2 crore. तो 10 crore कोई ऐसे write off नहीं करता है. ये कहना चाहूंगा कि अभी investors ने अपने इस इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन कर दिया है कि आप देख लो अब क्या करना है हम अभी और पैसा नहीं डालेंगे करेक्ट फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू कितना अच्छा पकड़ा ये कंपनी अगर बंद भी मतलब ये कंपनी बंद हो सकती है कंज्यूमर ग्राम भगवान मैं हमेशा बोलता हूं और लोग ना उसी को भूल जाते हैं सिंपल फोर पीस क्या हो गया प्रोडक्ट Price, place, mark. Promotion. Place. Place पहले आता है वैसे चलो कोई बात नहीं लेकिन product place price promotion. और इन चारों में basics missing था आपके बिल्कुल. Feedback take अमन. I think we need to learn from people like you. अमन has flawless skin by the way. Have you seen his skin? Damn bro. एक अच्छा outcome नहीं आया which is by chance. आपको क्या लगता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है? So Piyush, मैं मानता हूँ कि I am not the best entrepreneur in the world. नहीं क्यों ऐसा तो मैंने नहीं कहा. नहीं, it is so there is also क्या कहूँगा? It has to be luck meeting opportunity. Timing is the most important. आपकी दांत देनी पड़ेगी आप लगे हुए हैं. हाँ, he's not even like. Honesty is phenomenal. Yeah, and he's not even sad. He's not honest. Very good. So okay. मैंने बोलता आप बोल ले. कि मैं और मुझे लगा लेटेंसी खराब हो गई वीडियो कंपनी चला ही नहीं सकता पिंग बड़ा हो गया इसकी क्षमता है मेरे में और मैंने बहुत सारे कंपनी खड़े किए हैं कंपनीज के अंदर अब बात यह है कि जब आप मार्केट में जाते हो और चार महीने के अंदर कोई जूते पहन ही नहीं रहे क्योंकि कोई घर से निकल ही नहीं रहा तो ऐसे सिचुएशन जनरेशन में एक बार आए हैं जो हमारे हमारे साथ हुए हाँ बिल्कुल बैड टाइमिंग वेरी बैड टाइमिंग I bet जूतों के लिए अच्छा टाइम नहीं था वो। डिसीजन बना दिया है। Seems like a आपकी बढ़िया है। एक सेकंड बात करें। ये डिजाइन्स जो आपने बोले म्यूटेड एंड मिनिमलिस्टिक मुझे पसंद आए। But as an investor मेरा फियर मालूम है क्या है? जो इतने सालों से नहीं चला उसे रिवाइव करने टाइम लगेगा। सही बोल रहे हो। 3-4 महीने में मेरे पैसे भी खत्म हो जाएंगे नहीं। और बिजनेस भी शट डाउन हो जाएगा। तुम्हारे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। And for that reason I'm out. कई बार मैंने देखी है मैंने रियलाइज किया कि जब आप इन्वेस्टर का पैसा प्रोडक्ट मार्केट फिट होने के पहले ले लेते हो तो आप गलत चीजों पे स्पेंड करते हो और आज भी जब आप इस सिचुएशन में आए हो ये भी अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट शायद हुआ नहीं है क्योंकि इसमें क्वालिटी फिनिश इश्यूज हैं तो अभी आप अभी भी वहीं पे हैं जहां आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिला है और जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं वो तो आपका मार्केट ही नहीं है तो आप यू नो भटके हुए हैं हमारा यू नो लाइक अभी चार शार्क्स बचे वही डर है कि 75 लाख भी
बस यू नो ऐसे जल जाएंगे, 10 करोड़ जल जाएंगे। या शुगर सही बोल रही है। एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला अंत आखिरी ड्यूटी क्या होता है मेरे को बताइए। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फंडामेंटल ड्यूटी इज टू हिज स्टेक होल्डर्स, व्हेदर इट इज हिज यू नो इन्वेस्टर्स, हिज फंडामेंटल ड्यूटी इज सर्वाइवल। प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा बंद नहीं होने जी, है ना जी। अगर आप ये पैसा लेके वहीं डाल देंगे no, excuse me, no, I'm just not gonna just, what? Survival? एक business जो पैसे डुबा रहा है उसको तुम 50 साल तक survive करता कराते रहोगे? भाई profit होता है। किसी business school में चले जाओ, पहले दिन आपको introduction to business की class में सिखाया जाता है, business is for profit. Business खोलने का reason profit होता है, not charity, not success, no, none of that shit. Profit. If your business cannot make profit, if you can't foresee, forecast profit, you should stop doing that business. Cut your losses, get out of it. No, survival, that's drama. Dramatic. के लिए बोला गया है। सो प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। व्हेन बिजनेस मेक्स प्रॉफिट एवरीथिंग एल्स हैपेंस, चैरिटी हैपेंस। कोई ये नहीं करना और मुझे कुछ और करना है, मुझे आगे बढ़ना है जी। आपको कभी-कभी ये फीलिंग्स आती है बीच-बीच में? जरूर आते हैं सर। क्या करते हो उन फीलिंग्स में, कैसे रिएक्ट? सेल्फ डाउट इज वेरी नॉर्मल इन एंटरप्रेन्योर्स, और जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि बिजनेस बंद होने वाला है तो ऑफ कोर्स सेल्फ डाउट तो होता ही है। श्योर। आपने जॉब ढूंढने की कोशिश की इस दौरान? नहीं, मैं गुड प्लान बी की सोच रहा हूं। दैट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। मैंने एक्टिवली जॉब ढूंढना शुरू किया। दैट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन ब्रो। सोच रहा हूं, दो तीन लोगों से बात हुई है दोस्तों। बट बुरा नहीं होता, बट मैं बताता हूं, बुरा नहीं होता जॉब ढूंढना। इट्स नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। आई टेल यू व्हाई। मेरे पास पैसा नहीं बचा था, मेरे पास इन्वेस्टर भी नहीं थे, मैंने बंद कर दी कंपनी। स्मार्ट। आगे बढ़ा, दो तीन साल काम किया, पैसे जमा किए, पैसे लेके आया और फिर रीस्टार्ट करा। तो लाइफ में ये बहुत बारी अपॉर्चुनिटी आती है जब तुम रीस्टार्ट करते हो अपनी लाइफ, राइट? यू नो व्हाट आई मीन? इट्स नॉट अ नेगेटिव, इट्स अ गुड एग्जिट टू लाइफ। तो बात सही है, अगर ये इसके लिए फंडिंग नहीं आती है तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं शायद जॉब ढूंढना शुरू करूंगा और जब मौका मिले तो वापस शुरू करने की कोशिश करूंगा। मेरे को थोड़ा अपना लाइफ स्टेट समझाओगे? आपकी फैमिली सिचुएशन क्या है, आपके किड्स हैं क्या है? मैं शादीशुदा हूं। अच्छा जी। सो माय वाइफ इज वर्किंग, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ब्रो बंदे में बिलियनर पोटेंशियल है, ओईएम कंपनी में काम करती है। तो उसी से खर्चा चलता है जी? अच्छा। कमाती वो है, उड़ाता मैं हूं। अच्छा। बीवी के पैसों में पल्ले बदल रहे हैं उसके लिए। उसके लिए गणेश, मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने पहले कहा था फाउंडर हैज टू ऑलवेज फाइट फॉर सर्वाइवल, लेकिन आपकी एक और जिम्मेदारी टुवर्ड्स योर फैमिली एंड टुवर्ड्स योर डॉटर। आपने जब डॉटर कहा ना, मेरी भी एक डॉटर है। आप इतनी क्षमता है, इतनी पढ़ाई की है, आप काफी कुछ कर सकते हो इस बिजनेस में। मुझे लग रहा है यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। ये वैसे मंच इस चीज का नहीं है, बट इफ यू वॉन्ट टू गेट बैक ऑन योर फीट, आई हैव एन ओपन ऑफर फॉर यू for a job. Oh. जब आप फिर ready हो, I'm happy to invest in building a DTC brand. That's a great offer, man. I want you to land back on your feet. That's a generous offer, man. That's my offer. It's not what he came looking for. But I'm out of today's. Yeah. It's not what he wanted, but it's a great offer, man. No, but no one just offers like that. Simple. He's a great guy. पहले से एक ही बात बोल रहा हूँ. Basics are missing in this company. I'll bet on you but not on your company, sorry. मैं भी यही कह रहा हूँ, बंदे में बिलियन डॉलर का पोटेंशियल है। I can see him in one of the Shark Tank seats one day. मैं ऑफर ही बता देता हूँ, 75 लाख ऑफर for 33.3%. Oh my God, bro. Under the condition. इसको बाप बनने का बहुत शौक है। Be open to doing whatever is necessary to get this company to the next stage. Including getting people offering them equity who can take this to the next stage. जी। और US में भी जूते नहीं बेचेंगे। जी। और marketing पैसे आने के बाद zero होनी पड़ेगी। इसके चश्मे में lens लगा है कि नहीं लगा हुआ? जी। तो ये 75 लाख रुपए is almost like restart, but and this is a non-negotiable offer. लगा हुआ है शायद। ने जो बोला अबाउट ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडिया के लिए जूते बनाना, तो शुगर का स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि इंडिया के लिए लिपस्टिक्स ट्रॉपिकल वेदर के लिए जी।
हैविंग सेड दैट कोई भी चीज वो राइट प्लेस राइट टाइम के पहले वो जर्नी करनी पड़ती है रॉन्ग प्लेस राइट टाइम रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम वो जर्नी में आप कहाँ हैं हाउ क्लोज यू आर टू राइट प्लेस राइट टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा पर बिकॉज आपने इतने फेलियर्स देखे हैं आप में कुछ तो बात है आई एम हैप्पी टू जॉइन पीयूष का चलो दिस इज अ गुड एंड ये जो डील है आई थिंक यू नो पहला स्टेप वही होगा विदाउट बर्निंग एनी मनी प्रोडक्ट मार्केटिंग जरूरी है हां प्रोडक्ट तो रेडी है इसका हां जी बिल्कुल थोड़ी also, if somebody wants to leave, he's getting a better offer. I said, please go because I don't have money for you, right? थोड़ी introspection, थोड़ा थोड़ा brainstorming. क्या करना है पुल भाई? अभी तो offer हो गया, अभी ले ले. हाँ ले. अमन, अनुपम, पीयूष, विनीता and नमिता, thank you very much. आपने बहुत Such a gentleman. सोचा है इसके बारे में और बहुत pertinent चीजें कही हैं इसके बारे में I think मैं I need to evaluate my priorities in life right now. I really think I will go out there and work with a D2C brand and understand how to do this before I come back and try again. I need a couple of years. So he didn't even take the advice of his mentor or not mentor but an angel investor. But that perspective needs to be built. And the best way to build it is actually work in somebody who's done this before. So thank you for taking the time. But that's what I'm thinking. You're not crying. Revaluation mein bahut dino se mere dimag mein chal raha hai. But talking about the business in so much detail with people who have been there, done that, and understanding that boss, we are very far away from where we need to go, and what I'm thinking in terms of this business, ki kahan jana chahiye. There are no tears. You don't have to. There aren't any. Is not the best way forward. There are still no tears. It wasn't clear. I'm just being honest. I think wo cheez bahut clarity mili hai mujhe. Jiski wajah se main Ganesh has tears. Yeah, he's crying. Yes, I'm definitely going to go back and do something and come back and do D2C again. अमन का मुंह चेक कर लो आप तो शार्क टैंक इज नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग इट इज आल्सो अबाउट पर्सपेक्टिव यस है ना ओह शी इज क्राइंग नाउ डैम अमेजिंग गाय या ब्रो सेड इन लाइव टेलीविजन इन फ्रंट ऑफ द होल कंट्री या सेइंग दैट टेक्स गट्स मैन एन एंटरप्रेन्योर जो ओह शी इज क्राइंग नाउ ओह आई फील बैड सॉरी यू आर डाउन बट नॉट आउट माय फ्रेंड या फॉर श्योर ब्रो द गाय हैज पोटेंशियल Sky is not even the limit just for him. With an open mind of what you should do. Yeah. Right? Just, that's so all I'm saying. Thank you. Thanks. And you're a great guy. Yeah, thank you. Thank you very much. Believe in yourself. Believe in her, bro. I do. I believe in her. Let's at least meet. Good job. Listen, believe in yourself. Thank you. Keh rahi hai na, maan lo. Thank you, sir. Aww. हाँ यार ठीक है ओह व्हाट अ होलसम पिच मैन व्हाट अ होलसम गाय
damn, that was a good episode, man. That was such a good pitch too. Like, aapko, it makes you think it's not all about like, you know, just being a shark. Sometimes you just gotta be human. And these guys are human beings at the end of the day. They might be, you know, having the title of a shark, but they're human beings and they have feelings, they have emotions, and they feel for you. They understand you. They empathize with you. They even sympathize in this case. They had sympathy for the guy. I like that Mithal offered him a job. Such an entrepreneur, jo hai na, someone who's like a crazy, independent, entrepreneurial spirit wala banda. Wo offend ho jata hai is cheez se. Don't offer me a job. I'm not here for a job. But of course, he didn't say it in an offensive manner. He said it in a very nice way. So that was pretty cool to see that. But then Aman gave the best advice, which was like, dekho bhai, aise nahi khatam ho gaya tumhare. 2-3 saal ho gaye. Bad timing, generational event, whatever the reasons are. You need to be clear about what's going on and where you need to go, which is stop, drop, roll, and get up again. You know, so that's what he's doing to avoid getting burned. You have to stop, drop, and roll to not get burned. Jab aapko aag lagi hoti hai, to ye karna padta. So he's gonna do that. I'm happy for the guy. Ganesh seems like a great, brilliant guy. Just, I'm so impressed by the guy. His articulation, his soft-spoken manner. He's what people are supposed to, what men are supposed to be like. This is a role model right here. If any kid wants to know how to behave in life, what to be like Ganesh. Be like this guy. He's such a role model, man. I love this guy. I wish him success too. I don't even have to wish it, bro. I know he will be successful. I know he will come up with something that's gonna change the fucking scene, and he's gonna become a billionaire. Or if he doesn't become a billionaire, he's gonna start a $1 billion business. For sure. The man has the potential. Lovely episode. Amazing episode. Mazaa aa gaya. Thank you, Set India, for this.